वेलकम बैक माय चैनल किड्स इन वर्ल्ड मम्मीज तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे के दांत आने शुरू हो गए हैं तो आप बच्चे के दांत अगर आ रहे हैं तो ऐसे क्या लक्षण बच्चों के अंदर दिखाई देंगे कि आपको पता चले कि बच्चों के दांत आ रहे हैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को हिट करिए रेगुलर अपडेट के लिए सबसे पहले ये जान लें कि सारे बच्चे जो हैं एक जैसे नहीं होते हैं आप कभी भी चाहे वो पढ़ाई से लेकर के क्यों ना है चाहे वो और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होती है बच्चों की या कुछ भी उनसे कोई बच्चों से रिलेटेड कुछ भी बातें जो होती हैं उसकी तुलना आप कभी भी दूसरे के बच्चे या उनके सामने कभी ना करें या दूसरों के बच्चों की तुलना अपने बच्चों से कभी भी मान कभी भी मत करें इससे क्या होता है ना कई बच्चों के जो दांत आते हैं वो तो कई बच्चों के तो चार महीने में भी दांत आ जाते हैं और कई बच्चों के जो दांत होते हैं वो एक साल तक भी नहीं आते हैं लेकिन जो मोस्टली जो दांत आने की जो टाइमिंग होती है बच्चों की सात से आठ महीने या नौ महीने के बीच की होती है अगर आपके बच्चे के दांत कई बार ऐसा होता है कि बच्चे दांत जो है एक साल तक नहीं आते हैं और बच्चे का बर्थडे भी हो जाता है और अगर बच्चे के दांत एक साल उसके महीने महीने फिर जाते जाते हैं महीने हो जाते हैं हो तो आपको घबराने की बात है देखो सात आठ महीने तक नॉर्मली बच्चों के दांत नहीं आ रहे हैं एक साल तक नहीं आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि हो आप क्या होगा कि मेरे बेटे के तो दांत नहीं आए या मेरे बच्चे के दांत नहीं आए ऐसा नहीं है कुछ भी घबराने वाली बात नहीं कई बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है जो बच्चों के दांत जो है धीरे धीरे आने लगते हैं इसमें घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है अगर आपके बच्चे के 12 महीने से ज्यादा हो गए तो घबराने वाली बात है अगर आपके बच्चे के 12 महीने तक दांत नहीं आए हैं तो आप इस बारे में डॉक्टर से कंसर्न जरूर लीजिए अब आप कैसे पहचानेंगे की बच्चों के दात आने शुरू हो गए हैं सबसे फर्स्ट क्या होगा बच्चों के जो भी गम्स होते हैं मसूड़े होते हैं ना वो पूरे एकदम लाल कलर के हो जाते हैं यानी रेड कलर के हो जाते हैं और प्लस बच्चा जब भी कोई भी चीज जैसे नीचे कुछ भी चीज पड़ा हुआ है उसको मुंह में डालेगा या आपके कुछ भी कपड़े डाल देगा उंगली डालेगा और बच्चे की बहुत ज्यादा लार टपकेगी तो ये सबसे बड़ा साइन होता है कि बच्चों के दांत आ रहे हैं लेकिन कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं कि बच्चे के दस्त होना भी बच्चे के दांत आने का एक सबसे बड़ा कारण या रीजन है ऐसा नहीं है ये डाउट मैं आज आपका क्लियर करूंगी कि बच्चे को कभी भी जब भी दस्त होते हैं लूज मोशन होते हैं यानी तो ये कोई कारण नहीं है कि बच्चे के दांत ही आ रहे हैं ये आपकी लापरवाही है क्योंकि बच्चा क्या करता है ना कोई भी चीज उठा करके वो मुंह में डाल रहा है गंदी उंगली मुंह में डाल रहा है या आपके कपड़े मुंह में डाल ले रहा है तो उससे क्या होता है बच्चे के पेट में इंफेक्शन जाता है जिसकी वजह से बच्चे को दस्त हो जाते हैं यही एक रीजन है कि दस्त होना और दांत का आना सेम हैं तो मैंने ये डाउट आपका क्लियर कर दिया है कि दस्त होना बच्चे के दांत आने से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है ये केवल एक इन्फेक्शन का कारण होता है जो बच्चे के पेट में जाता है और वो इन्फेक्शन करता है उसकी वजह से क्या होते हैं दस बच्चे को होते हैं और प्लस बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है बेवजह रोने लगता है आपको परेशान करता है बच्चा और बच्चे के जो ये गम्स होते हैं ना खुजली होती है बच्चे के गम्स में और बच्चे के दा ये गम्स जो होते हैं इसमें बच्चे के क्या कहते हैं पेन होता है तो बच्चा चिड़चिड़ा होता है वो बहुत ज्यादा परेशान करता है बेवजह रोने लगता है उसको समझ ही नहीं आता कि मैं क्यों रो रहा हूं तो ये जो कारण होते हैं ये कारण है या ये सिम्टम है कि बच्चों के अंदर अब दांत आने शुरू हो गए हैं तो बच्चा इसलिए अब चिड़चिड़ा हो रहा है बात करते हैं कि आपको बच्चे की परेशानी को कम करने के लिए क्या करना चाहिए सबसे पहले तो जो बाजार में जो तीथर आते हैं आप बच्चों के लिए वो खरीद सकते हैं लेकिन आपको एक चीज का उसमें ध्यान देना है कभी भी आप बच्चे को जब तीथर लेकर के आते हैं या बच्चा जब उसको यूज भी कर लेता है नीचे फेंक देता है वो सो जाता है तो आपको उस तीथर को उतनी बार डिटॉल के पानी से अच्छी तरह से धोना और फिर प्लस बच्चे को देना है अगर आप वही मैंने आपको पहले बोला था अगर आप डायरेक्ट बच्चे को देंगे तो बच्चे के पेट में इंफेक्शन जाएगा और बच्चे को दस्त होने के चांसेस रहते हैं तो आप एक तो तीथर का यूज कर सकते हैं और प्लस आप एक जो डॉक्टर की सलाह से एक हेम्योपैथिक कैल्शियम की छोटी छोटी गोलियां जैसी आती हेम्योपैथिक आप वो बच्चों को दे सकते हैं मैंने भी काविस को ये दिया था वो काफी मीठी मीठी होती है वो सुबह और शाम देनी पड़ती है दो दो गोलियां देनी पड़ती हैं तो उससे भी बच्चों के अंदर ना जो कैल्शियम की जो कमी होती है वो पूरी होती है और भरपूर मात्रा में बच्चे को कैल्शियम मिलता है तो जल्दी जल्दी बच्चे के जो है दांत आना शुरू हो जाते हैं और एक चीज का आपको हमेशा ध्यान देना है जब भी आपका बच्चा छह महीने से छोटा है तो आप उसको ब्रेस्ट फीड जरूर दीजिए देखो ब्रेस्ट फीड में क्या होता है ना सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है तो आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड जरूर दीजिए और आप क्या कर सकते हो बच्चे को जैसे आपने या तो डाबर जैसे ये जन्म घुट्टी होती है वो ऐसे मसूड़ों में जो है अपनी उंगली से पहले अपने उंगली को हैंड को पूरा हैंड वॉश कर लेना है प्लस उसके बाद आपको अपने बच्चों के गम्स में शहद या ये जन्म घुट्टी से मसाज करनी है उससे भी बच्चे को काफी रिलैक्स मिलता है तो आप ये भी कर सकते हैं और प्लस आप जो हेम्योपैथी की जो गोलियां आती हैं, बच्चे को वो भी दे सकते हैं तो मैंने आपको बताया है कि बच्चे के दांत अगर आ रहे हैं तो आप किन कारणों से पता कर सकते हैं कि बच्चे के दांत आ रहे हैं आपको क्या ऐसे लक्षण दिखेंगे और प्लस आप क्या ऐसे उपाय कर सकती हैं घरेलू ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने दी है आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज